नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मनोचा और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनाने जा रहे हैं मंगोड़ी से कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आराम से अपने घर में कभी भी बना सकते हो। मान लो मंगोड़ी आपने बनाई है, सब खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कंज्यूम हो गई तो अच्छी बात है, बाई चांस कंज्यूम नहीं हुई तो हम उसे क्या क्या बना सकते हैं, आज हम वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उस पुलाव बनाने के लिए, उसके लिए मैंने हाफ कप राइस लिया है, नॉर्मल राइस, बासमती वाला जो भी आपके घर में यूज़ हो रहा है उसको यूज़ करेंगे आप। इसको पहले मैं धो के भिगो देती हूँ, कम से कम आधा घंटा तो भीगना ही चाहिए। अब हम झटपट बनाने वाले हैं मंगोड़ी का पुलाव। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ, गैस जला दिया। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच मैं प्याज भी डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। प्याज तैयार हो चुका है, 1 कप पानी डाल रही हूँ, आधा और आधा 2 बार। 1/2 टीस्पून ये सॉल्ट डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक मैंने 1/4 टीस्पून थोड़ा भर के डाला है और मिर्च और गरम मसाला मैंने लेवल करके डाला है। पानी उबल गया है, मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। गैस कम करके इसको ढक देते हैं, बस ये 5-7 मिनट में तैयार हो जाएंगी। दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ, पानी खत्म होने वाला दिख रहा है, इसमें मैं मिर्च डाल लेती हूँ। मंगोड़ी 5 पीस मंगोड़ी के मैं इसमें डाल दी, चला के फिर से ढक देती हूँ। चावल भी खोल के चला लेते हैं, धीमी गैस पर रखे हैं चावल। चावल में मेरे अभी कसर है और पानी तकरीबन ख़त्म है, मैं इसके नीचे तवा लगा देती हूँ। चावल थोड़ा है तो उसको आँच भी कम चाहिए, तवा रख दूंगी तो इसको अब धीमी आँच लगेगी। चावल चला के देख लेते हैं, किसी नमी है अभी, इसको ढक लेते हैं। बिल्कुल तैयार लग रहा है, इसके खिला दाना है, गला हुआ है एकदम, बिल्कुल तैयार। गैस बंद कर देते हैं, हमारा पुलाव तैयार, सर्व करते हैं। मंगोड़ी से बनने वाली हमारी सेकंड रेसिपी रहेगी काठी रोल। तो उसकी तैयारी के लिए पहले हम आटा बना लेते हैं। आधा कप मैंने आटा लिया, 1/4 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट मिला रही हूँ और इसको गूंथ लेते हैं आटे को। मैंने आधा ही कप पानी लिया है, देखते हैं कितना लगेगा इसमें। और हाँ, मैंने आटा से बना रही हूँ बेशक, लेकिन काठे रोल आप पूरे मैदे से या आधा आटा आधा मैदा लेके भी बना सकते हो। तो मेरे को लगता है कि बच्चों ने खाना है तो इसको आटे से बनाते हैं। थोड़ा सा आटे में तेल लगा के हाथ में आटा ठीक कर लेते हैं, उसको रख देते हैं तरफ 10 मिनट के लिए, आटा ढक के रखते हैं। उसके बाद में प्रिपरेशन करते हैं, हाथ में तेल लगा के थोड़ा सा इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए, इसको रखे रहने की। नरम आटा लिया है मैंने बहुत, इसके लिए आपको नरम आटा ही चाहिए ताकि आप रोल बनाओ तो दांतों को चेड़ा ना लगे, सॉफ्टली उसे कट जानी चाहिए रोटी। एक्चुअली क्या है कि जब आप मैदे से बनाते हो तो मैदा तो पतला हो के आपको लगेगा कि सॉफ्ट है, लेकिन आटे में आपको आटा सॉफ्ट करोगे तो ही सॉफ्ट लगेगा, अदरवाइज वो चेड़ेपन में आ जाएगा। तो बहुत नरम आटा बना के रखिए और इतना नरम जो मैनेज कर लो, पानी पानी भी नहीं करके रख लेना। क्लीन फिल्म से कर रही हूँ, चाहो तो आप इसको गीले कपड़े से भी ढक के रख सकते हो, कैसे भी रख लीजिए। आटा निकाल लिया है मैंने, हाथ से इसको मसल के एक बार तैयार कर लेते हैं काम के लिए। इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। बेलते हैं इसको, इसको परांठा बनाना चाहो परांठा बना के रखो, रोटी बनाना चाहो रोटी शेप में बना लो, बच्चों को जैसा पसंद हो उसी हिसाब से बना सकते हो, इसमें कोई नियम नहीं है। अगर बच्चे अंडा खाते हो तो आप इसके आटे में अंडा भी डाल सकते हो, दूध भी डाल सकते हो। अगर बच्चों को बाहर खाने की आदत है और वैसी डिमांड आएगी
तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर लग रहा है नहीं खिलाना घर में ऐसा, तो आटे का तो बना ही सकते हैं हम, तो आटे का बना देते हैं आज। बड़ी रोटी जितनी फैला सकोगे फैला लीजिए। गैस तेज़ है, तवा गर्म हो रहा है, इसको बना लेते हैं। कच्ची मक्की की रोटी बनाएंगे अभी हम, रोटी से बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेकनी नहीं है हमें रोटी। रोटी पलट रही हूँ यहाँ पे, जरा जरा स्पॉट आ गई, बस ये मैंने पलट लिया। इसको उतार लेती हूँ साइड से, इसकी पतली कर लेते हैं। गैस तेज कर दिया, इसको पलट दिया मैंने, सारे तवे पे सेक लगा के बस इसको नीचे उतार देती हूँ मैं। कच्चा पक्का उतारती है, रोटियों को कच्चा पक्का उतारते हैं तो ढक के रख देते हैं ताकि वो नरम बनी रहे और सिकती भी रहे साथ साथ थोड़ी थोड़ी। काठी रोल की तैयारी करते हैं, रोटी को असेंबल करते हैं। सॉस लगा रही हूँ नीचे, हाँ मैं इसमें ही काट रही हूँ मंगोड़ी आधी आधी करके, गोल पूरी नहीं रखनी है, स्लिप करेगी अदरवाइज वो। प्याज के लच्छे, हरी चटनी विद मेयोनीज, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला, बस रैप कर लेते हैं इसको। अब इसको सेकते हैं एक दो मिनट रुक के, इसमें प्लीज ज़्यादा सॉस, उसके बाद कटे हुए अपने मंगोड़ी, हरा धनिया पुदीना कुछ डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। प्याज, हरी चटनी मेयोनीज के साथ मिक्स है वो डाल रही हूँ। जितनी चटनी उतनी मेयोनीज, थोड़ा सा नींबू, टाइट इसको सेकते हैं आप। तवा रखते हैं, गैस जला दिया है, तवा रख दिया है, बटर डाल रही हूँ, इसको हर तरफ से घुमा के सेक लेनी चाहिए। आगे पीछे हर तरफ से, जैसे आपके गैस का फ्लेम आ रही हो उधर से आप इसको ध्यान करके सेक सकते हो। टर्न कर लेते हैं, बटर से इसलिए सेकना है ताकि इसमें और नमी जाए, ड्राइनेस ना आने पाए इसमें, और बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है नहीं तो ये टाइट हो जाएगी। गैस बंद कर देते हैं, हर तरफ से इसको सेक लग गया है, उतार लेते हैं। काट लेते हैं इसको पूरा पूरा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे नैपकिन रख के रोल करके भी दे सकते हो, काट के भी सर्व हो सकता है जैसे आपको। और ये आज की थर्ड रेसिपी है मंगोड़ी का रायता, तो उसके लिए मैंने गर्म पानी कर लिया और उसमें मैं मंगोड़ी भिगो रही हूँ। भिगो कर मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूंगी गर्म पानी में, उसके बाद निचोड़ के थोड़ा ठंडा करके हम इसको दही में मिलाएंगे। इस भी दही फेंट लेते हैं हम। दही में एक चम्मच चीनी मिला रही हूँ, 1 टीस्पून पीसी चीनी मिला रही हूँ दही में, 1/4 टीस्पून मैं इसमें भुना पिसा जीरा मिला रही हूँ। आहिस्ता से मिलाना है, फेंटना नहीं है। नमक थोड़ी देर में डालूंगी मैं जब मैं मंगोड़ी तैयार कर चुकूँगी, उसके बाद 2-4 पत्ते पुदीने के तोड़ के डाल दिए इसमें हमें, बस इतना ही। मंगोड़ी मेरी भीगी हुई है, उसको मैं छान के पानी से अलग कर लेती हूँ।
ये मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाते हैं ना, फिर इनको डालेंगे। दही में गरम गरम नहीं डालेंगे, ठंडा करेंगे। बीच में इसका तड़का बना लेते हैं। मैंने जरा सा घी लिया है, इसमें गैस कम कर दिया है। 150 ग्राम मैंने दही लिए है, 5 पीस मैंने मंगोड़ी के लिए हैं। अब 1/4 टीस्पून मैं इसमें राई डाल रही हूँ। राई चटक गई है, गैस बंद करके मैं ही हींग डाल रही हूँ, 1/8 टीस्पून हींग का। पकौड़ी ठंडी हो गई, मैं दही में डाल रही हूँ। और इसमें मैं ये तड़का डाल देती हूँ, ये इसके ऊपर तड़का डाल दिया। हींग और राई का इसमें मैंने तड़का डाल दिया। थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया। अभी सर्व करने के लिए रायता बिल्कुल तैयार है। हमारी 4th रेसिपी है मंगोड़ी की चाट। क्योंकि मैं मंगोड़ी फ्रिज से निकाल के लाई हूँ, तो इसको नरम करने के लिए मुझे गर्म पानी में डालना है। जैसे मैंने रायते में डाली, ऐसे इसके लिए भी डाल रही हूँ। वही पानी छान के रखो, अगर एक ही दिन में सब चीज़ बना रहे हो तो वही पानी छान के रखो और उसी पानी को यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ दोबारा, ये 4 पीस की मैं बना लेती हूँ। 4 पीस भिगो दिए और मैंने ढक दिया है, गैस बंद है। इसको छान रही हूँ, गर्म पानी हटा दिया है मैंने। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। इसको ठंडा होने के लिए पानी से बाहर निकाल के रख रही हूँ, इसकी गर्मी निकल जाएगी तो नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। तो मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। मिर्च, गरम मसाला, भुना पिसा जीरा, घी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, फिर से थोड़ी सी दही, थोड़ा सा पुदीना, सूखा पुदीना रखा होगा तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा इसमें चाट में, सूखे पुदीने का भी अपना टेस्ट है। थोड़ी सी हींग में ना, अब इसमें दही में डाल के डालने वाले ऊपर, पर मैंने आलू डाले ना, थोड़ा सा मसाला मैं उसमें भी डाल रही हूँ। नमक और हींग डाला मैंने इसमें, आलू में नमक और हींग है, थोड़ा सा आलू जा रहा है, थोड़ी सी बारीक कटी प्याज, एक्चुअली आलू फीका होता है बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए नमक और हींग डाला मैंने, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी फिर से लाल चटनी, थोड़ी सी फिर से दही, थोड़ा सा अंगूर, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा सेब डालती हूँ, थोड़ा सा सेब। बन गई चाट हमारी। आज हमने मंगोड़ी से 4 चीज़ें बनाई हैं, रायता, चाट, पुलाव और काठी रोल। चारों चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं। स्नैक्स का काम भी होगा, ब्रंच का काम भी होगा। तो एक चीज़ से जब आप इतनी चीज़ बना सकते हैं, तो आप समझो आप अपने घर में खाने की कितनी वैरायटी दे सकते हैं। हमारी आज मंगोड़ी की 4 रेसिपीज़ आपको कैसी मिली है आप हमको बताइएगा, कैसी लगी है आपको। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमें बताइएगा कि और किस किस तरह के वेरिएशंस आप सोचते हैं कि रेसिपीज़ में होने चाहिए, हमारे को कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।